आपको मैं एक बता दूं कि आज मेरा मेडिकल लेटर आ गया है और मैं अपने फैमिली का रिएक्शन अपलोड करूंगा जल्दी ही, उसको आप देखिएगा, उससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी अपने लिए। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं किशन गुप्ता आपके अपने जनरल इंस्पेक्टर किशन के में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए वीडियो लाया हूं मैं, हाउ टू एनालाइज योर मॉक। पिछला वीडियो था कि आपको मॉक अटेम्प्ट कैसे करना है, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके मॉक को एनालाइज कैसे करना है ताकि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके। चार सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। इन चारों को आपको सेपरेटली एनालाइज करना है। स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग से। चारों सेक्शन को हम तीन पार्ट में बांटेंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस और नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबमिट होने के बाद आप पहुंचेंगे रॉन्ग क्वेश्चंस पे। रीजनिंग के रॉन्ग क्वेश्चंस पे जाके आप ये देखेंगे कि क्या मैंने सिली मिस्टेक किया है, यहाँ पे क्या गलती की है, किस कैसे इसको सही करना है। ठीक है, तुरंत ही तुरंत आप उसको उसी क्वेश्चन को रफ शीट पे दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आगे आने वाले मॉक में अगर सेम क्वेश्चन आपको मिले तो आपको आपसे गलती ना हो। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है तो के बाजी में गलत हो गया, तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर को देखना होगा। आपको एक रफ शीट पे नोट करना होगा कि रीजनिंग दिस चैप्टर रिक्वायर्स अटेंशन, आपको उस पर लिखना होगा और लिख के आपको उस चैप्टर को पढ़ना होगा। दूसरी बात पे जाएंगे, लेफ्ट ओवर क्वेश्चन, जैसे कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, उन क्वेश्चन को जाके भी आपको यही देखना है कि क्या मैंने इन चैप्टर्स को पढ़ा है, ये टाइम की कमी की वजह से ऐसा हो गया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक नोट करिए कि हाँ ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, और तुरंत की तुरंत उसके सॉल्यूशन को देख के आप वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बाद में जाके उस चैप्टर को पढ़िए ताकि आगे आने वाले मॉक में आपके उस चैप्टर के क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि जैसे आपने 25 में से 22 क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप उनको 22 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये गलती नहीं करनी कि हाँ ये 22 क्वेश्चन तो मैंने कर लिए हैं तो ये मुझसे हर बार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। टेस्ट बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें तीन चीजें दी होती हैं, आपके टाइम दिया होता है कितने देर में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, टॉपर्स का टाइम दिया होता है और एक एवरेज टाइम दिया होता है। तो उन सारे सही क्वेश्चंस पे जाके आपको अपना टाइम और एवरेज टाइम कंपेयर करना है कि तो क्या आप उसके आसपास हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस एवरेज टाइम के आसपास में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या पहले सॉल्व कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वहां पे आपको एनालिसिस की जरूरत है कि क्या इस क्वेश्चन को और भी किसी शॉर्टेस्ट अप्रोच से किया जा सकता है, कोई दूसरा शॉर्टकट मेथड हो सकता है इसका। उस चैप्टर को आप एक बार फिर से एनालाइज करेंगे, आप अपना नॉलेज की आपका क्या कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, और ये सारी चीजें आप एक नोट बनाते जाएंगे कि हाँ इस चैप्टर में ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है, जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, या जिस चैप्टर के क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। इस तरीके से आप रीजनिंग को कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे 25 के 25 क्वेश्चन। अगला सेक्शन आएगा जीके का। जीके में आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है, जो भी तुक्केबाजी आप जो भी आप अपना सिक्स सेंस यूज करेंगे वो सिर्फ आपको अपने मेन एग्जाम में ही करना है। मॉक टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% कंप्लीटली पता है, उसी क्वेश्चन को आपको टिक करना है। जैसे 25 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करिए, 20 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो आपको सबसे पहले जाना है गलत क्वेश्चन पे कि क्या आपने गलती की है, लैक ऑफ फोकस की वजह से तो गलत नहीं हो गया, या वो चैप्टर आपको आ नहीं रहा है, या तुक्केबाजी में गलत हो गई, तो उस चीज को आपको वहां पे देखना है। दूसरा चीज आपको देखना है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आपने छोड़ रखे हैं, या किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आपने छोड़ रखा है। उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर एक नोट पर नोट करना है कि हाँ इस चैप्टर को मैंने पढ़ना है अभी, या इस सब्जेक्ट को मुझे और थोड़ा सा पढ़ना है, या इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपको 1 से लेकर 25 क्वेश्चन जीके में सबके साथ ये करना है कि उसके सोल्यूशन को ओपन करना है और उसके सोल्यूशन को दौरली पढ़ना है, ताकि उस क्वेश्चन के आसपास और भी जो 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको तैयार कर सके। तो 1 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको अच्छे से पढ़ने हैं जीके में। आपको कंप्लीटली अच्छे से टाइम देना है एनालिसिस पे, क्योंकि एनालिसिस ही मेन है। मॉक देने से कोई फायदा नहीं होता है, मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करने से फायदा होता है। तो एनालिसिस पे आपको टाइम बिल्कुल देना है, कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे आप एनालिसिस पे टाइम दीजिए। थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी वही तीन पार्ट है, रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो सबसे पहले आप जाओगे अपने रॉन्ग क्वेश्चन पे कि क्या मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, या जल्दीबाजी में क्या गलती कर दी, क्यों गलत हुआ, उस चीज को आप एनालाइज करोगे। आपको ये क्वेश्चन आ रहा था फिर भी गलत हो गया तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहां लैक ऑफ फोकस होता है या लैक ऑफ कैलकुलेशन होता है। वहां पे आप उस चीज को सुधारोगे और तुरंत के तुरंत ही रफ शीट पे उस क्वेश्चन को 3 बार 4 बार तुरंत के तुरंत सॉल्व कर दो। ये आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
तो उस क्वेश्चन को आप अपने एक डाउट कॉपी बना लीजिए मैथमेटिक्स के लिए और उस पर लिख दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन का है, इसका सोल्यूशन ऐसे हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट उसमें आएगा आपका जो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उस क्वेश्चन पे आपको फिर जाके वही देखना है कि क्या मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है, या टाइम टाइम की कमी की वजह से ये क्वेश्चन छूट गया, या मुझे ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था। उस क्वेश्चन को भी आपको ये देखना है कि अगर कोई नया पैटर्न है तो आपको उस पर अपने डाउट कॉपी पे लिखना है। नया चैप्टर है जो आपने पढ़ा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, लेकिन उस चैप्टर के लिए उसको नोट कर लीजिए कि हाँ इस चैप्टर को मुझे अभी पढ़ना है। तो उस चैप्टर को जब आप पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरा पार्ट आएगा वही जो क्वेश्चन आपने सही किया, अगर आपने 25 में से 20 सवाल सही किया मैथ्स का, तो इसलिए नहीं समझना है कि आपको 20 सवाल हर बार सही करोगे, उस 20 सवालों को भी आपको एनालाइज करना है अपने टाइम से और एवरेज टाइम से कंपेयर करके कि क्या मैं इसमें ज्यादा समय ले रहा हूँ, किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, किस क्वेश्चन में कम टाइम ले रहा हूँ। जो क्वेश्चन में आपको एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन को आपको एनालाइज करने की जरूरत है, उस चैप्टर को आपको एनालाइज करने की जरूरत है। आप उसको नोट करिए कि हाँ इस चैप्टर में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस चैप्टर को एक कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से पढ़िए, उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन में आपको वहां पे टाइम लग रहा है उसका देखिए कि क्या इसका कोई और शॉर्टेस्ट अप्रोच हो सकता है। अपने दोस्तों से पूछ लीजिए या वहां पे सॉल्यूशंस पड़े होते हैं, देखिए क्या मेरा अप्रोच से छोटा अप्रोच भी कोई है, कोई और शॉर्टकट है, अगर ऐसा है तो उसको अडॉप्ट करिए। ये तो था आपका मैथमेटिक्स के लिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंग्लिश। इंग्लिश के लिए क्या है, सदाबहार है वो। इंग्लिश में आप जितनी गलतियां करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे, धीरे 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 आपकी गलतियां कम होती जाएंगी और आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। इंग्लिश में यही है, इंग्लिश में आपको 25 के 25 क्वेश्चन को ए टू जेड देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन गलत है उसको भी, जो क्वेश्चन सही है उसको भी, और जो क्वेश्चन आपको नहीं किया है उसको भी। जो क्वेश्चन नहीं किया है उसको आप ये देखिए क्या मैंने चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो उस चैप्टर को पर्टिकुलरली नोट करिए और उस चैप्टर को पढ़िए, या जो क्वेश्चन गलत किया है उसको ये देखिए कि क्यों गलत हुआ है, क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, लैक ऑफ फोकस था या क्या था या लैक ऑफ कॉन्सेप्ट था, तो जो भी कॉन्सेप्ट में वहां पे गड़बड़ी आ रही है उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करिए, और तुरंत ही उस क्वेश्चन के आंसर को 4-5 बार रफ शीट पे लिख लीजिए, ताकि वो आपके दिमाग में जाके स्टक हो जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन अब दोबारा आएगा, चाहे इस कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन दोबारा आएगा तो ये क्वेश्चन कभी आपके आने वाले मॉक में गलत ना हो। लेकिन 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट एनालाइज करिए कि हाँ इसमें अगर मैंने सही किया है तो क्या सही होना चाहिए था, मैंने क्या, जैसे होता है ना कि डी तक एरर है, हम सोचते हैं कि बी में एरर है और सोचते हैं कि दूसरा एरर होगा, लेकिन आंसर बी होता है लेकिन एरर दूसरा होता है, तो ये बार बार नहीं चलता है। इसीलिए आपको सही क्वेश्चंस को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। 1 से लेकर 25 क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने सही किया, ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत हुआ, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा था, और उस चीज को पर्टिकुलरली एक एक सेक्शन करके उसको रिवाइज करिए। और जो भी आप अपनी डाउट कॉपी बना रहे हैं या जो भी क्वेश्चन आप बुकमार्क कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में, उस क्वेश्चन को आप हर 4-5 दिन पे रिवाइज करते रहिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूल जाएगा और वो कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से मैं अपने पेपर को एनालाइज करता था, और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप 50 मॉक टेस्ट अगर आप इस तरह एनालाइज कर देते हो तो 51st जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपके सिली मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे और आपका स्कोर बहुत ही जल्दी एनहांस कर लेगा। आप तुरंत ही 100 से 140, 120 से 145, 150 के अराउंड पहुंचने लगोगे। तो आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस से ही आपके मॉक का फायदा है। ये तो मेरा वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ। और क्या आप जानना चाहते हैं सीजीएल या सीपीओ की तैयारी के बारे में, उसके लिए आप कमेंट करिएगा ताकि मैं थोड़ा सा डिसाइड कर सकूं कि मुझे और किस टॉपिक पे बताना है आप लोगों को, किस बात में आप परेशान हो रहे हो। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।